सुबहानअल्लाह व बिहम्दिही सुबहानअल्लाहिल अजीम। इस क्लास में आपको प्रिंट कमांड के बारे में बताया जाएगा। फाइल में जाएं और फाइल के अंदर प्रिंट कमांड की तरफ देखें। ये वाली फाइल के अंदर प्रिंट कमांड है, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। जो भी कमांड होती है उसकी राइट साइड पर अगर कुछ लिखा हो तो वो शॉर्टकट की होती है कीबोर्ड से इंप्लीमेंट करने के लिए। अब ये जो आइकन है ये स्टैंडर्ड टूल बार के साथ टैली कर रहा होता है। ये देखें प्रिंट का जो ये आइकन है, अगर आप स्टैंडर्ड टूल बार से प्रिंट करना चाहेंगे तो आपको यहां से पहचान हो जाएगी। ये वाले आइकन को प्रिंट क्लिक करेंगे तो ये प्रिंट का आइकन है, और कंट्रोल प्लस पी जो है वो कीबोर्ड से एक कमांड है जो हम प्रिंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो ही हम इसको क्लिक करेंगे तो एक प्रिंट डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। अब प्रिंट डायलॉग बॉक्स के अंदर क्या होगा, प्रिंटर के नीचे जो नाम है नेम है, यहां पर आप क्लिक करें तो इसके मेरे वाले सिस्टम के ऊपर और भी प्रिंटर इंस्टॉल है, तो यहां पर जब भी हमने किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना हो, अगर किसी कंप्यूटर के ऊपर ज्यादा प्रिंटर इंस्टॉल हो तो हम प्रिंटर के अंदर नेम के सामने उस प्रिंटर को सिलेक्ट करते हैं जिनसे हमने डाटा को प्रिंट करना हो। ये प्रिंटर नेटवर्क से भी सिलेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि आम सिस्टम के ऊपर एक ही प्रिंटर होता है तो यहाँ से सिलेक्शन की जरूरत नहीं होती। जहां तक पेज रेंज का तल्लिक है तो आज से मुराद है सारे पेज प्रिंट कर दो। अभी मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर एक पेज है और एक ही पेज है, और ये वाला जो पोर्शन है ये कहता है करंट पेज, टोटल पेज भी एक है और ये वाला पोर्शन बताता है कि मैं करंट पेज यानी एक ही पेज पर हूं। इसका सेक्शन भी एक है। हम पहले ज्यादा पेज क्रिएट करते हैं, इसको क्लोज करें, कैंसिल करें। सबको सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए किया, कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी किया, नीचे वाले एरो को प्रेस किया। अब यहां पर जाके कंट्रोल एंटर दबा दें, एक और पेज बन गया। इसमें डाटा को पेस्ट करने के लिए यहां से पेस्ट कर दें, दूसरे पेज पे भी डाटा पेस्ट हो गया। इसको मैं जरा आसानी के लिए दूसरे पेज के लिए इसे टू कर देता हूं, फिर एंटर दबाता हूं और पेज ब्रेक लेने के लिए कंट्रोल एंटर दबाया, कंट्रोल वी दबाया, और तीसरे पेज के लिए इस पेज को थ्री कर देता हूं। ऐसे ही कंट्रोल एंटर दबाता हूं, कंट्रोल वी किया और इसको मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, फोर पेज कर दिए। अब मेरे डॉक्यूमेंट फाइव पेज हो गए। अब मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर फाइव पेज है, मेरे लिए करंट पेज जो है वो ये है थ्री। अगर मैं ऊपर जाता हूं तो मेरे लिए ये टू पेज जो है वो करंट होगा। दोबारा प्रिंट डायलॉग बॉक्स को कंट्रोल पी से खोलते हैं। अब यहां पर करंट पेज ही है, अगर मैं ऑल करके ओके कर दूंगा तो सारे पेज निकल जाएंगे। अगर मैं ऑल करके यहां पे वन रहने दूंगा हर पेज की एक एक कॉपी निकल आएगी। अगर ऑल करके यहां पे टू कर दूंगा तो हर पेज की दो दो कॉपियां प्रिंटर से प्रिंट हो जाएंगी। अब करंट पेज से मुराद ये है, यहां पर करंट पेज टू है। अगर मैं ओके कर देता हूं तो प्रिंटर क्या करेगा, सिर्फ एक पेज को प्रिंट करेगा और वो पेज होगा टू। ओके करने से यहां से वो पेज नंबर टू को प्रिंट कर देगा। इसमें हेडिंग कुछ और भी हो सकती है लेकिन वो अपने हिसाब से देखेगा पेज नंबर टू क्या है। अगर यहां पर जाता हूं, मैं कहता हूं 1.5, क्या करेगा, दो पेज प्रिंट करेगा, पेज नंबर वन और पेज नंबर फाइव। अगर मैं यहां पे 3.5 कर देता हूं, तीन पेज प्रिंट करेगा और उनमें से वन और थ्री और फाइव। अगर मैं कहता हूं थ्री से लेकर बाकी सारे प्रिंट कर दो तो मैं रेंज दे देता हूं, इसे रेंज कहते हैं। अब वो क्या करेगा, पहले को करेगा, दूसरे को नहीं करेगा, तीसरे को, चौथे को और पांचवे को। इस तरह हम रेंज दे सकते हैं, इस तरह अलग अलग पेज दे सकते हैं। अगर इसके अलावा अगर मैं सिर्फ इस वाले डाटा को प्रिंट करना चाहता हूं पेज को, तो कंट्रोल पी पे जाऊंगा और सिलेक्शन को ओके कर दूंगा। सिलेक्शन को चेक करने के बाद वो एक ही पेज के ऊपर पेज ये वाला डाटा प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है, ये बहुत काम इस्तेमाल होता है, ज्यादातर शीट की टर्मिनोलॉजी एक्सेल के अंदर इस्तेमाल होती है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। पेज पर शीट, जब
प्रिंटर से पेज को प्रिंट किया जाता है तो उस वक्त वो उसको शीट कंसीडर करता है, ज़हन में रखनी है बात। अगर मैं कहता हूँ कितने पेज करेंगे, चार, मेरे टोटल पांच है, मैं कहता हूँ पेज पर शीट सिक्स पेज कर दो, टोटल पेज कितने हैं, पांच, ये क्या करेगा, एक ही पेज के ऊपर जो पेज प्रिंटर के अंदर पड़ा हुआ होगा उसके छह पोर्शन बनाएगा, जितना डाटा होगा एक पेज के ऊपर उन सब को एक ही पेज के ऊपर प्रिंट कर देगा। जी बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने का, अल्लाह हाफिज़।